नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के ऊपर। वैसे देखें तो हिंदू वर्ष का यह साल का पहला ग्रहण है। हमने नए साल की बधाई भी दी और नए साल का वीडियो भी किया है। आप देख सकते हैं सभी राशि के लिए क्या फल है। और जो हम ईस्वी सन से या क्रिश्चियन ईयर से देखें तो ये साल का आखिरी ग्रहण है। वैसे हम तो हिंदू है तो हमें हिंदू के हिसाब से ही देखना चाहिए कि साल का बड़ा ये चंद्र ग्रहण है। और साल का अहवाल देते हुए मैंने बताया था कि इस साल 5 ग्रहण है, 3 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण है, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाले। चंद्र ग्रहण तीनों के तीनों दिखने वाले, जिसमें से पहला चंद्र ग्रहण इस साल का लगने जा रहा है बहुत जल्दी, मतलब कि 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे हम देव दिवाली भी कहते हैं। देवों की जो दिवाली होती है, एकादशी को देवता जो शयन में चले जाते वो उठ जाते, देव शयनी एकादशी हम मनाते, और पूर्णिमा को देव दिवाली होती है। सो देव दिवाली के दिन ही यह ग्रहण होने जा रहा है, मंगलवार के दिन। अब ये है कि अलग अलग भारत में भी 2 क्षेत्र बटे हुए हैं। आपको मैं फोटो भी बताऊंगा, जिस फोटो में एक रेखा लकीर खींची गई है, जिससे पता चलेगा किस भाग में किस तरह का ग्रहण है। अब ये उस दिन मेष राशि में होने जा रहा है, मेष राशि में भरणी नक्षत्र में होने जा रहा है। सो मेष राशि में होने वाला यह चंद्र ग्रहण जो खग्रास है, खग्रास ग्रहण का मतलब होता है चंद्रमा पूर्ण तरह पे ढंक छिप जाना, ढंक जाना, और भारत के पश्चिमी तट पे, पश्चिमी क्षेत्रों में, मतलब कि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पार्ट से लेके सारे जो पश्चिमी क्षेत्र है, आप यहाँ पे दिए हुए फोटो को देख सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए फोटो को आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो रेखा खींची है उसके पूर्वोत्तर राज्यों में यह ग्रहण खग्रास, मतलब कि पूर्ण ग्रहण होने वाला है, पूर्ण चंद्रमा ढंक जाने वाला है, और पश्चिमी क्षेत्र में यह खंड ग्रास है। खंड ग्रास जिसको हम कहते हैं खंड में, पार्शियल, पूर्ण नहीं। सो खग्रास ग्रहण है, वैसे ये पूर्ण, ये हमारे वहाँ भारत मुंबई में चंद्रोदय के पहले ही पूर्ण हो जाने वाला है इसका स्पर्श और मोक्ष। इसलिए यहाँ पे इसका हमें वेद लगेगा, हमें पालना होगा, पर हम ना ही स्पर्श देख पाएंगे ना मध्य। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ग्रहण का स्पर्श होने जा रहा है दोपहर को 2:39 को, 14:39, जबकि यहाँ पे सूर्यास्त नहीं होगा, चंद्रोदय मुंबई में लेट है इसलिए इसका स्पर्श नहीं देख पाएंगे। मध्य भाग मतलब कि एग्जैक्ट ओवरलैपिंग ऑफ बीम जिसे कहते हैं, वो होने वाला है 4:29। उस समय पे कलकत्ता में दिख जाएगा ये, क्योंकि वो हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में ये दिखेगा मध्य भाग। और इसका मोक्ष, ग्रहण का मोक्ष होने जा रहा है सूर्यास्त के समय, मतलब कि जो 6:19 में। तो इस तरह से इसका स्पर्श ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में दिखेगा। मध्य भाग जो है वो हमारे कलकत्ता वगैरह भागों में दिखने वाला है 4:29, और मोक्ष जो है वो पूर्ण भारत में 6:28-19 को दिखने वाला है। यह जो ग्रहण है वो पूर्ण एशिया में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखने वाला है, पैसिफिक में दिखने वाला है और अमेरिका में दिखने वाला है। इसकी भी फोटो मैंने यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप फोटो से देख सकते हैं कि बीच का जो काला भाग है, बीच का जो ब्लैक पोर्शन है, वहाँ पे नहीं दिखेगा। एक पूर्वोत्तर राज्य जहाँ भारत वगैरह सब क्षेत्र आ जाते, और एक पश्चिमी में आप देखिए पैसिफिक और यूएसए अमेरिका आ जाता है। तो यह चित्र से आपको पता चलेगा कि किन क्षेत्रों में दिखेगा, कहाँ पे नहीं दिखने वाला है। तो यह भी हमारा हो गया पूर्ण कि कहाँ दिखेगा कहाँ नहीं मिलेगा। सो हमारे वहाँ ये मोक्ष जरूर दिख जाएगा। अब ये मुंबई में जो है चंद्रोदय है वो 5:58 है, तो ये आंशिक 20 मिनट तक ही आपको दिखेगा। दिल्ली में जो है वो चंद्रोदय 5:00 शाम को 5:31 है, तो यहाँ पे आधे घंटे तक, 40 मिनट तक ये ग्रहण दिखेगा। चेन्नई में 7:42 को है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ से भी आपको कम समय के लिए दिखेगा, मात्र समझ लीजिए 20-30 मिनट के लिए दिखेगा। कलकत्ता है, कलकत्ता में ये 4:55 में चंद्रोदय है, तो वहाँ पे ये तकरीबन 1.5 घंटा ग्रहण का असर रहेगा।
अब भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो रेखा खींची हुई मैंने फोटो बताई थी, इसमें सारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल पूर्ण है, मिजोरम है, कलकत्ता है, त्रिपुरा है, असम, नागालैंड, सिक्किम, झारखंड, बिहार, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे, और मेघालय जो हमारे सेवन सिस्टर कहते हैं हम, वो सारे जगहों पे पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेके ठीक अरुणाचल प्रदेश तक, मिजोरम तक, सिक्किम तक यह पूर्ण ग्रहण दिखेगा। और जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो रेखा के इस तरफ पश्चिम की ओर है, वहाँ पे यह सिर्फ जो जैसे कि बाकी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सारे जो पश्चिमी साइड के है, रेखा के पश्चिमी तरफ, यहाँ पे ये खंडग्रास होने वाला है जिसको हम पार्शियल कहते हैं। तो वहाँ पे भी असर उतनी ही रहेगी, पर देख नहीं पाएंगे कुछ वक्तों के लिए, कुछ चंद समय के लिए ये ग्रहण रहेगा। वो भी मैंने आपको बता दिया, मुंबई में 5:58 में चंद्रोदय, तो 5:58 से 20 मिनट तक ये ग्रहण दिखेगा। दिल्ली में मैंने आपको बताया ये तकरीबन 50 मिनट तक, 5:31 से लेके 6:19 तक, मतलब तकरीबन 50 मिनट रहेगा। चेन्नई में ये 5:42 से लेके 6:19, मतलब वहाँ पे भी ये मुश्किल से 40 मिनट रहेगा। और सबसे ज़्यादा कलकत्ता में ये तकरीबन 1.5 घंटे तक रहेगा। अब ये जो ग्रहण है वो किन राशियों के लिए शुभ होगा और किन राशियों के लिए अशुभ होगा और किनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं किन राशियों के लिए ये शुभ फलदाता है, तो वो है मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये चार राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदाता है, तो उनको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यह राशि जैसे कि सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये राशियों के लिए ये मिश्र फल है, तो ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है ना ही कुछ बुरा होने वाला है, तो आप भी निश्चिंत रह सकते। यह ग्रहण खास करके अशुभ रहेगा वो है मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन राशियों के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं है, तो इन लोगों के लिए यह ग्रहण थोड़ा अशुभ रहेगा। अब देखिए ये चंद्र ग्रहण है, सो ये ज़्यादातर असर करता है मानसिक तौर पे। सो जिनका चंद्र कमज़ोर है, चंद्र राहु है कुंडली में, चंद्र केतु है कुंडली में, चंद्र अमावस का है मतलब सूर्य चंद्र साथ में है, प्लस जिनके जो कोई भी ग्रह भरणी नक्षत्र में, मेष राशि के भरणी नक्षत्र में, वो ग्रह भी इस समय पे कमज़ोर हो जाएंगे और आगे चलने वाले 6 महीने तक भरणी नक्षत्र आपको मुहूर्त में भी नहीं लेना है। कहते हैं कि गृहस्थास्थ ग्रहण में जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र को यदि पूर्ण ग्रहण है तो 6 महीने तक हम नहीं लेते। सो ये चंद्र ग्रहण है, मानसिक तौर पर इसकी ज़्यादा असर रहेगी, तो जो पूर्वोत्तर राज्य है उन सभी के लिए ये मानसिक तौर पर थोड़ी तकलीफ वाला समय रहेगा। हालांकि मेष राशि चंद्र की इतनी कमज़ोर राशि नहीं होती है इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लोगों की मानसिकता में ज़रूर फर्क पड़ेगा। जो खुद ही स्वयं अभी मानसिक पीड़ाओं से, साढ़े साथी से, अशुभ दशाओं से पीड़ित है, उनको इनकी असर अगले 6 महीने तक रहेगी। लोगों के मन मानस पाटल पे, मन पे, माताओं को, गर्भवती स्त्रियों को ये खास कर इसका पालन करना है। इस समय पे सबसे अच्छा होता है पूजा पाठ, जैसे अभी सूर्य ग्रहण के समय पे भी मैंने आप सबको अवगत कराया था, ऐसे चंद्र ग्रहण के समय पे आप चंद्र के पाठ कर सकते हैं, चंद्र के मंत्र कर सकते हैं, राहु के मंत्र कर सकते हैं, मां मृत्युंजय के मंत्र कर सकते हैं, और इससे आप ग्रहण के दरम्यान कोई भी मंत्र, क्योंकि ये पूर्णिमा है सो कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते तो ग्रहण का समय उचित होता है, आपका मन भी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, पूर्णिमा का चांद होने के बावजूद भी उस दिन उसका ग्रहण है इसलिए ये आपको अच्छा फल नहीं देता है। सो इसलिए सभी के लिए, भले जिन राशियों के लिए शुभ भी है तो भी उनको चंद्रमा के जाप करने चाहिए, राहु के जाप करने चाहिए, या फिर उनको उस समय पे, क्योंकि सूर्य चंद्र और राहु सब इकट्ठा है, सूर्य सपोज तुला राशि में, चंद्र और राहु मेष राशि में, तो इसलिए मेष राशि वाले के लिए, भरणी नक्षत्र के लिए ये विशेष अशुभ फल वाला है, उनको ज़्यादा सचेत रहना है।
सभी की माताओं के लिए ये कष्टदायक समय होगा। जो माता गर्भवती है उनके लिए तकलीफदायक होगा। मानसिक तौर पे जो कोई भी तकलीफ में है, जैसे मानसिक पीड़ा, पागलपन, सिजोफेनिक, उनके लिए भी ये विशेष तौर पे अशुभ फल देगा। तो सभी के लिए चावल का दान श्रेष्ठ रहेगा। जैसे ही ग्रहण खत्म होता है उसके बाद आप चावल का दान कर सकते हैं, पका हुआ चावल वो भी आप दान कर सकते हैं, या कच्चे धान के तौर पे भी, या पका हुआ चावल, दूध ये सब का, या खीर, ये सब चीज़ आप ग्रहण के बाद बना के उसको गरीबों में बांट सकते हैं। तो यह ग्रहण आपके मानस पटल पे ज़्यादा असर ना करे तो आप अभी से ही उसकी शांति पूजा पाठ कर सकते हैं। अब देखिए, ये ग्रहण का जो आपको दोष है जिसको वेद कहते हैं, ये वेद लग जाएगा 8 नवंबर को सुबह सुबह 5:40 को। तो तब से लेके शाम को सूर्यास्त तक 6:18 तक हर एक क्षेत्र में अलग अलग होगा, तब तक इसका वेद रहेगा। तो तब तक उसका नियम व्रत पालन करना है। सो आप सभी को ये ग्रहण ज़्यादा कष्टदायक ना हो, इसलिए आप इस समय पे जितना भी अपने आप को पूजा पाठ सेवा में लगा के रखेंगे, मन को कहीं ना कहीं रोक के रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। तो इसी आशा के साथ आप सभी को ग्रहण अच्छा फल दे, बुरी असर से आपको बचाए, यही कामना करता हूँ। अधिक जानकारी के लिए या मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी में मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए डीएम एस्ट्रोलॉजी और बेल आइकॉन दबाइए। यही आशा, यही उम्मीद के साथ यह वीडियो आपको भेजता हूँ कि आप सभी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।